आप यहाँ पे पीडब्ल्यू के किस बैच में एनरोल थे और यहाँ के बैचेस में जो भी आपका एक्सपीरियंस था, मतलब आपको किस तरह से बैचेस में हेल्प मिलती थी, कैसे आपको गाइडेंस मिला, उसके बारे में कुछ शेयर करिए। सर यहाँ पर मैंने गेट 2025 पराक्रम 2025 में इंस्टॉल किया, 2024 में इंस्टॉल किया था 2.0 में, लास्ट अक्टूबर में। तो मैंने 3 मंथ्स मैंने इस पर प्रैक्टिस करी है, मैंने लेक्चर्स देखे हैं सारे, और फिर उसके बाद मैंने, हाँ उसमें फिर मैंने डीपीपी सॉल्व करी है। तो उसके लिए मतलब आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि लेक्चर को कैसे उनको देखना चाहिए, लेक्चर कितने इम्पोर्टेंट हैं और क्यों इम्पोर्टेंट? सर लेक्चर जब भी देख रहे हैं तो जो भी फैकल्टीज बता रहे हैं, जो भी सामने बताया जा रहा है, फिर नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हर एक लाइन जो लिखी हुई है उसका एक वो मीनिंग होता है, कोई भी चीज़ें इलॉजिकल नहीं है यहाँ पे। हेलो विशाल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, गुड आफ्टरनून सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 12, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच सर। सो थोड़ा बताइए कि मतलब ऑल इंडिया रैंक 12 आना इतना आसान बात नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी रैंक है, तो पहला रिएक्शन कैसा था खुद जब रिजल्ट देखे थे तब, और ऑब्वियसली फैमिली को बताया ही होगा कि मेरी ये ऑल इंडिया रैंक 12 आई है, तो उनका कैसा रिएक्शन था कि जब आपने बताया कि AIR 12 आई है मेरी गेट एग्जामिनेशन? बहुत अच्छा रिएक्शन था सर, मैं भी बहुत खुश था। एक्चुअली हम लोग बाढ़ का एग्ज़ाम देने के लिए पटना में थे, तो वहाँ पर मैंने रिजल्ट चेक करा था बाढ़ का एग्ज़ाम देने के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगा था। बहुत सारे मतलब टीचर्स के कॉल आए, फ्रेंड्स के कॉल आए, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। ओके चलिए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, तो आपके फैमिली में कौन कौन हैं और मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा फार्मर हैं और वो डीलरशिप का भी वो काम है, वो जो PDS डीलर होते हैं जिनमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहता है। और फिर मॉम तो हाउसवाइफ है, और फिर हमारे घर में हम 4 भाई बहन हैं, और दीदी भी हमारी वो नर्सिंग कर रही है, मतलब मेडिकल नर्स है, और फिर छोटी दी हमारी टीचर है, फिर मेरा छोटा भाई वो नेशनल चेस प्लेयर है, नेशनल लेवल चेस प्लेयर। लेवल बहुत यस बढ़िया सर है, मतलब सब लोग पढ़ाई में और किसी फील्ड में बहुत आगे हैं, मतलब मम्मी पापा ने मतलब काफी अच्छे से मतलब आपके एजुकेशन पे और उस पे मतलब कोई कमी नहीं रखी, मतलब यस सारे एक से बढ़ के एक हो आप सर लोग, बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा सा आपके इस मतलब जो आपका बैकग्राउंड रहा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा सा यस जानते हैं कि आपने मतलब शुरू में कहाँ से मतलब अपनी प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई, और उसके बाद बीटेक में कैसे आप गए, मतलब बीटेक की तरफ कैसे, इंजीनियरिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ, और इंजीनियरिंग फिर किस कॉलेज से आपने किया था? सर मेरा जो स्कूलिंग था वो मेरे गांव से हुआ है, बिहार बोर्ड से। फिर मैंने पॉलीटेक्निक को परस्यू करने के लिए गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज पटना 7 में एडमिशन लिया था, वहाँ से मेरा 3 इयर्स का डिप्लोमा हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ओके उसके बाद मैंने लेटरल एंट्री के थ्रू कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर यहाँ से जब मैंने एडमिशन लिया तो यहाँ पर मुझे गेट एग्ज़ाम के बारे में पता चला, मैंने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2nd ईयर में। फिर मैंने 3rd ईयर में भी अटैम्प्ट दिया, फिर 2024 में भी अटैम्प्ट दिया। आप मतलब शुरू में पॉलिटेक्निक किए और उसके बाद सेकेंड ईयर में, यानी कि आप एडमिशन लिए होंगे बीटेक में, मतलब जो हम यस लोग सर यस बोलते हैं सर डिप्लोमा लेटरल वाले जो एंट्री, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आते हैं। ओके हाँ तो लेटरल क्या एंट्री के जैसे थ्रू आप डायरेक्ट। 11th 12th जैसे जब आप कर रहे थे तो इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता नहीं था, या प्लान ही ऐसा था कि पहले डिप्लोमा कर लेते हैं फिर इंजीनियरिंग साइड जाएंगे, जैसे कई बच्चों को होता, नहीं पता होता तो पहला हम लोग जैसे गांव साइड से जो लोग आते हैं खासकर, क्योंकि आपने भी बताया कि आप एक गांव से हो, मतलब पापा फार्मर हैं, तो कई बार अवेयरनेस नहीं होती है कि IIT JEE या IEEE या IITs कुछ होते हैं, तो हमें डिप्लोमा नॉर्मली सब जगह पता होता है, गांव साइड भी, कि भाई अगर टेक्निकल साइड में थोड़ा सा जाना है तो हम लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वो अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम, या प्लान ही ऐसा था कि पहले डिप्लोमा करते हैं फिर अगर अच्छा रहेगा तो फिर इंजीनियरिंग करने भी जाएंगे? सर पहली बात सर मैंने 11th और 12th नहीं किया, मैंने 10th के बाद डायरेक्ट ही डिप्लोमा में गया था। टेंथ के बाद हाँ, तो वो डिप्लोमा का फॉर्म आया था तो उसमें मैंने फिल किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने वहीं पे 10th 12th नहीं किया है मैंने, मतलब 11th 12th नहीं किया है मैंने। 10th के बाद डायरेक्ट मैंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हाँ, कॉलेज 3 साल पटना से का किया डिप्लोमा था, था उसमें आपने ले हाँ तीन लिया साल एडमिशन। का हाँ। उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से लेटर लेटर के थ्रू। यस सर ओके तो डिप्लोमा करने के दौरान फिर आपको मतलब था कि इंजीनियरिंग साइड जाना, क्योंकि डिप्लोमा भी ऑलमोस्ट वो तो टेक्निकल ही हाँ पूरा हो, ऑलमोस्ट, वहां हाँ आपने कब प्लान किया टेक्निकली कि मतलब बीटेक करना है या इंजीनियरिंग करनी है और इस फील्ड में और आगे जाना है, तो वो
डिप्लोमा में एंट्री करने के बाद ही आपने डिसाइड कर लिया था, या जैसे धीरे धीरे रुझान बढ़ा तो आपने सोचा चलो अब इंजीनियरिंग भी करते हैं, थोड़ा सा और इसको और अच्छा करते हैं? ये सर, डिप्लोमा जब मैंने हो रहा था तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि डिप्लोमा का उतना अच्छा स्कोप नहीं है इंडस्ट्रीज में। जैसे अगर कोई डिप्लोमा सीएस से किया हुआ है और कोई बीटेक सीएस से किया हुआ, तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और उसको हायर पोजीशन पर रखा जाता है। हाँ, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आगे बीटेक सीएस से करना चाहिए, तो ओके, मैंने फिर उसके आपने बाद डिप्लोमा भी सीएस हाँ में किया, फिर सीएस में सीधे आप इंजीनियरिंग में चले गए, मतलब उसके यस बेसिस सर पे। यस सर तो दोनों जब चीज़ें आप किए। सेकेंड ईयर में गए, जैसे आपने सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया होगा नॉम आपका, क्योंकि डिप्लोमा था, तो सेकेंड ईयर में ही आपने प्रिपरेशन फिर गेट की शुरू कर दी, आपको पहले से क्लियर था, मतलब वहां जाने के बाद पता चला और आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन? नहीं सर, सेकेंड ईयर में एंट्री लेने के बाद वो कुछ सेमेस्टर पीछे चला था कोविड के कारण, तो कुछ एग्जाम्स चल रहे थे, हम लोग का एडमिशन भी काफ़ी लेट हुआ था। तो एग्जाम्स वगैरह जब क्लियर हो गए सारे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि गेट के प्रिपरेशन करते हैं। तो गेट क्योंकि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है प्लेसमेंट की, आईआईटी में हाँ जाकर अच्छे बिल्कुल। अच्छे प्लेसमेंट कर सकते हैं, पीएससी ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ठीक है, अब गेट का ट्राई करते हैं। यस सर, ओके, तो तो मैंने गेट की वहाँ से तैयारी गेट की आपने प्रिपरेशन, थर्ड सेकेंड थर्ड सेम ईयर? की एग्ज़ाम, हाँ थर्ड सेम का एग्ज़ाम खत्म हुआ मई 2022। फिर मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया, और फिर मैंने फिर 2024 का भी अटेम्प्ट दिया। तो 2023 में क्या रहा था आपका स्कोर, मतलब क्या रैंक थी? 286। उसमें सर ऑल इंडिया रैंक 286 थी। तो आपने तब भी यस सर, मतलब थर्ड ईयर के साथ भी मतलब बहुत अच्छा किया था, इसमें कोई डाउट ही नहीं। यस 286, और 286 मैंने से फिर आप ऑल इंडिया रैंक 12 इस बार लाए हैं, सर डेटा बताइए। साइंस का भी पेपर लिखा था, तो उसमें भी मेरी रैंक अच्छा, 179 थी। 179, बहुत ही बढ़िया है। तो अभी मतलब क्या डेटा साइंस की तरफ, एआई की तरफ जाना है, कि अपने कोर में ही सीएस में ही अभी एक्सप्लोर करना है, मास्टर्स करना है, अभी क्या सोच रहे हो? कोर सीएस में रहना सर। और सीएस में? हाँ, बहुत बढ़िया है। 12th रैंक पे तो आपको जो भी टॉप IITs या ऐसी चाहिए, वो जो भी ब्रांच चाहिए, वो आराम से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यस सर, मतलब बहुत कमेंडेबल बात है, मतलब आप जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आए उसको मतलब बहुत अच्छे से बनाया, मतलब और आपसे बात करके ये लग रहा है कि मतलब चीजें बहुत प्लान थी, आपको पता था कि अब ये चीज अच्छी है तो मुझे करना है, और उसी हिसाब से आपने पूरा मतलब कॉलेज में रहते वो उतना टाइम दिया, और इसीलिए कॉलेज के साथ आप इतनी अच्छी रैंक क्रैक कर पाए, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब अगर आपको सही टाइम पे सही डायरेक्शन मिल जाए तो रैंक अचीव किया जा सकता है कॉलेज के साथ भी। तो आप यहाँ पे PW के किस बैच में एनरोल थे, और यहाँ के बैचेज में जो भी आपका एक्सपीरियंस था, मतलब आपको किस तरह से बैचेज में हेल्प मिलती थी, कैसे आपको गाइडेंस मिला, उसके बारे में कुछ शेयर करिए। सर यहाँ पर मैंने गेट 2025 पराक्रम 2025 में इंस्टॉल की 2024 में इंस्टॉल किया था 2.0 में, लास्ट अक्टूबर में। तो मैंने 3 मंथ्स मैंने इस पर प्रैक्टिस करी है, मैंने लेक्चर्स देखे हैं सारे, और फिर उसके बाद मैंने हाँ उसमें फिर मैंने DPP सॉल्व करी है। तो जैसे क्लास में जो DPPs मिलती थी, और वीकली टेस्ट भी नॉर्मली होते ही हैं कि चैप्टर खत्म हुआ या वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज होता था, टेस्ट सीरीज तो आपने ऑब्वियसली दिया होगा, तो लेक्चर फिनिश यस करने के बाद जैसे हम लोग बच्चों को हमेशा गाइड करते हैं कि यार DPPs बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लेक्चर के रिवीजन के लिए उन क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और नए क्वेश्चंस कर सकते हैं। और उसके अलावा वीकली टेस्ट देने के लिए हम लोग क्लास में हमेशा बोलते हैं कि वीकली टेस्ट तो देना ही चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, आप कहाँ लैग करो। तो आप इस चीजों को कैसे प्लान करते थे, कि DPP को कैसे यूटिलाइज करते थे, क्योंकि आप ऑब्वियसली भी कॉलेज गोइंग ही हो, मतलब फाइनल ईयर में आप हो ना, तो सर, मैं एक रेगुलर कॉलेज जा रहा कॉलेज हूँ सर। गोइंग हो तो कॉलेज का भी लोड थोड़ा रहता है, तो आप कैसे प्लान करते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे जो जुड़े हैं वो कॉलेज गोइंग है, तो वो कैसे आप प्लानिंग करते थे कि DPPs कब मुझे फिनिश करना है, वीकली टेस्ट कैसे देना, क्या वीकली टेस्ट आप रेगुलरली देते थे, या कभी ऐसा होता कि छूट जाता है तो बाद में वीकली टेस्ट कैसे प्लान करते थे, वो थोड़ा शेयर करिए। सर टेस्ट तो मेरे बहुत सारे छूटे हैं सर, मैं अच्छा, DPPs भी बहुत सारे छूटे हैं सर। मुझे जब भी टाइम लगता था तो मैं DPPs को सॉल्व करता था, टेस्ट दे देता था अपने हिसाब से। और फिर ऐसा कोई था नहीं कि हाँ, सारे टेस्ट को कंप्लीट करना है, मेरे टेस्ट पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, ना ही पूरे वीकली टेस्ट ओके, कंप्लीट करना है, मैंने पूरी DPP करी थी। मैंने बस जितना हो सकता था मैंने उतना ट्राई करा है। जब मुझे टाइम लगता था कि हाँ आप DPP सॉल्व करते हैं, तो मैंने DPP सॉल्व करता था। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हाँ आप इस टाइम पे, क्योंकि बीच में सेमेस्टर एग्जाम्स आते थे, असाइनमेंट्स लिखने होते थे, हाँ, तब कॉलेज गोइंग के टाइम साथ मिला। तो ये रहता है, मतलब आपको मतलब आपने ये किया कि जब आपको कॉलेज में, क्योंकि
हाँ कॉलेज से साथ चीजें प्लान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्योंकि आपको सेमेस्टर के लिए कॉलेज भी जाना होता है, सेमेस्टर का कोई वर्क वो भी करना होता है, उसके बाद लेक्चर्स देखने होते हैं, फिर टाइम निकाल के। ड्रॉपर के लिए तो पूरा दिन होता है, तो ये सब चीजें प्लान कर सकता है कि मुझे रोज का रोज फिनिश करना है। कॉलेज गोइंग के लिए मुश्किल है, लेकिन आप जब, इसीलिए हम लोग भी यही बोलते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले, आप कॉलेज में अगर थोड़ा फ्री हो तो अपने कोई पुराने डीपीपीज हैं जो आपके रह गए हैं, कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, कोई रिवीजन रह गया, तो उसको यूटिलाइज कर लीजिए। तो कॉलेज के साथ ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है, हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप कॉलेज गोइंग बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि क्या उनको करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, कौन सी एक क्रिटिकल चीज़ है जो उनको बहुत ध्यान से, एक या दो या तीन चीज़ें जो भी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, तो वो कॉलेज को भी मैनेज कर सकते हैं और तैयारी को भी मैनेज कर सकते हैं, ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा दोनों चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, जब मैनेज नहीं हो पाती, सेमेस्टर आ गया तो सर लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हैं, सर लेक्चर्स फिनिश नहीं हो रहे हैं, क्या करें, एकदम से बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने कॉलेज के साथ ऑल इंडिया रैंक 12 लाए हैं, तो ऑब्वियसली आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया होगा, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरे ख्याल से सर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सर कंसेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से बैकग्राउंड में प्ले हो रही है सारी चीज़ें और कैसे सब चीज़ फंक्शन करती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर कम प्रैक्टिस भी करें तो वो भी मैटर उतना नहीं करता, अगर टेस्ट सीरीज नहीं कम्प्लीट हो पा रहे, वीकली टेस्ट नहीं दे पा रहे, तो वो थोड़ा कम मैटर करता है, अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएँ तो। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से, और अगर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है और क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा कर लिए, तो इससे बस ये हो जाता है कि क्वेश्चन के टाइप की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। फिर जब गेट में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर वो नहीं हो पाते हैं, तो उससे सब उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेटर ये होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें प्ले करती है, कैसे चीज़ें काम करती है। अगर वो हमें पता है तो फिर अगर कम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे और कॉन्सेप्ट अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए, तो उससे भी हम लोगों को कम क्वेश्चन में आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से सारी चीज़ चल रही है, तो हम लोग नए क्वेश्चन में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन जो हो रहा है एक्चुअली हमें पता है कि ये एडिशन क्यों हो रहा है, सब्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारा कुछ। मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट प्लेस पे है। अगर सब्जेक्ट की अच्छी है तो आप अगर 100 की जगह 50 क्वेश्चन भी करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो। कई बार होता है बच्चे की सर कहाँ से और क्वेश्चन करें, डीपीपीज के अलावा क्या क्वेश्चन कर लें, वीकली टेस्ट। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि डीपीपीज आप सॉल्व करिए अगर टाइम मिलता है, उसके बाद आप क्यूआई कुछ बहुत अच्छे सोर्स हैं, अगर आप अच्छे से उसको यूटिलाइज करते हैं समझने के लिए। जैसा आपने बताया कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले गेन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन के फॉर्म में उसको यूज करके सीखिए कि क्या कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन में वो यूज हो रहा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और तो ये जो आप बताएं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करनी, तो इसके लिए बच्चे को सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना चाहिए? जैसे हम लोग हमेशा उनको बोलते हैं कि आप लेक्चर पे सबसे ज्यादा पहले फोकस करो, लेक्चर को रोज ध्यान से जो भी लेक्चर दे रहे हो, जितना देख रहे हो उसको कवर करो, और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप करने की कोशिश करो उस कॉन्सेप्ट की, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मतलब आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि लेक्चर को कैसे उनको देखना चाहिए, लेक्चर कितने इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट? सर लेक्चर जब भी देख रहे हैं तो जो भी फैकल्टीज बता रहे हैं, जो भी सामने बताया जा रहा है, फिर नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हर एक लाइन जो लिखी हुई है उसका एक वो मीनिंग होता है, कोई भी चीज़ें इलॉजिकल नहीं है यहाँ पे, तो जो भी उसके पीछे का जो मीनिंग है वो समझने का ट्राई करें मैक्स टू मैक्स। अगर वो समझने का ट्राई होगा तो फिर क्वेश्चन में जो चीज़ें हो रही है वो पता चल जाती है कि क्वेश्चन में क्यों हम लोग इस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं और इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो क्यों रही है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बस डीपीपी लगा लेते हैं, टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे हमें बस क्वेश्चन का टाइप पता चल जाता है कि हाँ अगर कैश का क्वेश्चन है तो इस तरीके से करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा, बट वो फार्मूला क्यों काम कर रहा है, वो फार्मूला कहाँ फेल करेगा, वो समझ में तभी आएगा जब कॉन्सेप्ट का पता होगा। तो फार्मूला कहाँ तक चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा, ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ये और वो लेक्चर को इसीलिए आपको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का जब भी ये डिमांड आती है कि क्वेश्चन सर और करवा दीजिए या डिफरेंट इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो मैं भी क्लास में यही बोलता हूँ कि आप टाइप रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आप एक नया टाइप का कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, आपसे नहीं सॉल्व होगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को जितना गहराई में समझ सकते हैं कि कब अप्लाई होगा, कब नहीं अप्लाई होगा, कैसे हम यूज कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं डिफरेंट वे में, उस पर पकड़ बना लेंगे तो एक नया क्वेश्चन भी जो आएगा वो आपको स्ट्राइक कर जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए पीवाईक्यूज सबसे अच्छे रिसोर्स हैं, अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आप जैसे पीवाईक्यूज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, मैं बच्चों को पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस करने को बोलता हूँ कि उसको
जैसे बच्चे क्या करते हैं, पीवाई को एक सॉल्व किया, 5 पीवाई को उठाया, 3 पीवाई को सॉल्व हो गया, 2 नहीं हुए, वो तुरंत सोल्यूशन पीछे दिया रहता है, तुरंत सोल्यूशन देख लेंगे, और सोल्यूशन मैक्सिमम केस में मैक्सिमम लोगों को समझ आ ही जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको एक बेसिक तो पता होता ही है। तो आप, मैं कहता हूँ हमेशा ये नहीं करना, आपको क्वेश्चन खुद से समझ के सॉल्व करना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो आप पीवाई क्यूज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि पीवाई क्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गेट एग्जामिनेशन की तैयारी में, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते थे और कब आपने उसको यूटिलाइज किया था? सर पीवाईक्यूज तो सर मैंने 2023 के अटेम्प्ट में ही वो काफ़ी सारे सॉल्व कर लिए थे, मतलब मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट सॉल्व थे। इस बार सर मैंने कुछ कुछ ही सॉल्व करे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो वो ऑप्शंस याद हो जाते हैं कि हाँ स्क्रिप्ट तो करूँगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, और थोड़ा इजिली सॉल्व हो जाता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है कि नहीं सारे तो बन ही रहे, बेटर ये कि नए टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और पीवाईक्यूज बता देते हैं कि पिछले बार कैसे क्वेश्चन आए थे, तो वो डिफिकल्टी लेवल से डायरेक्टली इंटरेक्शन हो जाता है कि इतने डिफिकल्टी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में, और इस टाइप के पूछे जाते हैं गेट में, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, मतलब सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन आ जाते टाइप के रिपीट होते हैं बिल्कुल, और कई बार सेम ही टॉपिक से सेम मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो सबकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से हो जाती है। कुछ जो न्यूमेरिकली जो हार्ड होते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तभी पता चल पाएगा। तो पीवाईक्यू सॉल्व होने से मतलब मेन फोकस कॉन्सेप्ट लर्निंग पे होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा। तो जैसे आपका सिलेबस कवर कब आपने कर लिया था, वैसे भी आपने 2023 में भी आप रैंक लाए थे, ऑब्वियसली आपका मैक्सिमम चीजें वहां आपने कवर कर रखा होगा। तो इस बार जैसे आप दोबारा, जैसे हमारे यहाँ भी कई सारे बच्चे हैं जो 2 साल की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले साल नॉर्मली सिलेबस कवर करने में चला जाता है, क्योंकि कॉलेज के साथ चीजें मैनेज करना, जैसे आपने बताया ना कि डीपीपी के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो जब मिलता था तब, तो वही अभी जो बच्चा सेकंड ईयर में हमारे पास या थर्ड ईयर में, उसके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है। तो पहले साल तो मैं भी बच्चों को ये बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट लर्निंग एकदम जो लेक्चर है उसको अच्छे से फॉलो करो, तो आपने वो चीज़ तो पिछले साल कर रखी थी। तो जो बच्चा जैसे हमारे यहाँ जो पिछले साल कर चुका है, ऑलमोस्ट लेक्चर कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल वो फिर से अब आगे उसी को तैयारी को आगे बढ़ा रहा और नेक्स्ट ईयर फोकस करने वाला गेट को, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी बहुत काम आएगी, क्योंकि आपने कैसे यूटिलाइज किया ये साल, क्योंकि पिछले साल आपका सिलेबस मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट रहा होगा, आपका कुछ पोर्शन हो सकते थोड़े बहुत छूटे रहे होंगे, तो आपने कैसे इस साल को यूटिलाइज किया और किस पे फोकस किया, किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया? सर पिछला जो अटेम्प्ट था सर, उसमें मैंने टीओसी में बस रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था और बाकी सारा टीओसी बचा हुआ था, कंपाइलर डिजाइन का पार्ट मैंने कंप्लीट नहीं करा था, और नेटवर्किंग में भी बहुत सारे पार्ट छूटे हुए थे, तो ये तीन सब्जेक्ट्स मेरे वो नहीं कंप्लीट हो पाए थे। डीवीएमएस के भी लास्ट में वो सीरियलाइजेबिलिटी और फिर लॉकिंग टू पेयर लॉकिंग वो सारे मैंने नहीं पढ़े थे, तो उसमें वो 2023 के अटेम्प्ट में था। इस अटेम्प्ट में मैंने वो सारे चैप्टर्स को क्लियर कराया, और जो सेमेस्टर एग्जाम्स थे उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट्स थे, इसी मतलब हायर क्लासेज में आने के बाद। अच्छा। आने के बाद तो यहाँ पे वो सारे कम्प्लीट हो गए, फिर मैंने इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, फिर से चीज़ों को समझने का ट्राई करा है, जो क्वेश्चन मैंने छूट गए थे मैंने फिर से टेस्ट सीरीज ली, टेस्ट सीरीज को मैंने दिया है, तो बेसिकली मेरे लिए होता है कि हाँ रिवीजन के लिए बेस्ट पार्ट है अगर आपका वो कंप्लीट हो रहा है तो। यस सर, और फिर अगर टेस्ट सीरीज जैसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बार हो जाती है, तो फिर टेस्ट सीरीज देने के बाद वो ओवर द टाइम धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव कर जाती है, स्टार्टिंग में मार्क्स कम आती है, बट धीरे धीरे करके मार्क्स बढ़ने लोग घबरा जाते हैं टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आने पे। हाँ, यस स्टार्टिंग में तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज में मार्क्स थोड़े से मतलब एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम आ रहे थे शुरू में। टेस्ट सीरीज के मार्क्स काफी फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो कभी ज्यादा आ जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, कभी कम आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। मेरे मार्क्स 35 भी गए हैं, मेरे मार्क्स 35 29 भी गए हैं, और मैक्स टू मैक्स 60-64 भी गए हैं, तो वो काफी तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, मार्क्स फ्लक्चुएट होंगे, आपको अच्छे मार्क्स भी बहुत आ जाएंगे और हो सकता है कुछ ऐसे टेस्ट भी हो जहाँ पे मार्क्स कम आए, बस उसमें गलतियों की अपनी एनालिसिस मेल ने है करनी होती है कि किस वजह से कम रह गए या कहाँ मैंने गलत किया, और नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर कंसिस्टेंटली अगर टेस्ट सीरीज दे रहे तो ओवर द टाइम धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव कर जाते हैं, अगर मार्क्स कम आने कारण टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो फिर वो कभी इम्प्रूव हो ही नहीं पाएंगे, फिर वो कभी इम्प्रूव नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है, तो वही गेट में भी आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सो विशाल थैंक यू सो मच, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन।